Dear students, assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 24, which is based on unit 10, exercise 10B, factorization. Jee students, exercise 10B, ke humne pehle 9 question kar liye the last lectures mein. Ab hum question number 10 solve karte hain. Question number 10 hamare paas kya hai? A8 minus B8. Humne factorization ka kya method apnana hai? Hamare paas formula wahi hai. Ki humne kya likhna hai? A square minus B square. Kya karna hai isko? A plus B aur A minus B ki form mein likh dena hai. फैक्टराइजेशन का मेथड यही होगा हमारे पास. अब मैं A8 को B8 को कैसे लिख सकता हूं? A4 का स्क्वायर माइनस B4 का स्क्वायर. अब इसको मैं एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखता हूं, क्या आ जाएगा हमारे पास? A4 माइनस B4 इंटू A4 प्लस B4. देखिए हमारे पास क्या आ गया. हमने क्या किया फॉर्मूला, 8 को मैंने पावर को क्या कर दिया, 4 इंटू 4 की पावर 2 कर दिया, 4 पावर 2 कर दिया, ए 4 पावर 2 पावर स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर मैंने कर दिया तो 8 आ जाएगा. तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया. मैंने क्या लिखा, ए 4 माइनस बी 4 इंटू ए 4 प्लस बी 4. अब ये देखिए माइनस में आ रहा है, इसकी पावर फिर 2 में आ सकती है, यानी कि फॉर्मूला दोबारा अगेन अप्लाई कर सकते हैं. तो क्या करेंगे, फिर हम अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए 4 स्क्वायर माइनस बी 4 सॉरी स्क्वायर का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड स्क्वायर ए 4 प्लस बी 4 एज इट इज. इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो माइनस का माइनस की वैल्यू है, इसलिए इसके ऊपर अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. तो ए स्क्वायर एंड का स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर के हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर इसके ऊपर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए 4 प्लस बी 4 आ जाएगा. देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखिए जहां जहां जब तक माइनस आता जाएगा, स्क्वायर का फॉर्मूला आता जाएगा, हम इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि जी जहां माइनस के साइन के साथ हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आएगी, हम वहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे दोबारा. अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए 4 प्लस बी 4, ये हमारे पास वैल्यू बात की. अब ये देखिए फिर माइनस का साइन है इसके दरमियान में, और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं. तो क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर ले लिया माइनस बी का स्क्वायर ले लिया, इसके ऊपर फिर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए 4 प्लस बी 4. प्लस वालों को छोड़ते जाएंगे वैल्यूज, ये देखिए प्लस वाली वैल्यूज को हमने फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे, प्लस वाली वैल्यूज को निकालते जा रहे हैं बीच में से. जहां जहां प्लस आ रहा है उसको हमने फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे, जहां जहां माइनस आएगा दो वैल्यूज के दरमियान, हम उसको क्या कर सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए 4 प्लस बी 4, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी पूरी की पूरी. अब देखो दोबारा रिपीट करता हूं, देखो फार्मूला कितनी बार लगा है, वन टाइम यहां पे लगा है, सेकंड टाइम इसके ऊपर, फिर थर्ड टाइम ये वैल्यू पे, तीन दफा एक फार्मूले को अप्लाई किया हमने. अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं, A8 माइनस B8 है. हमने फैक्टराइजेशन उस वक्त तक करनी है जब तक स्क्वायर का फार्मूला माइनस के साथ हमारे पास लगता जा रहा है. देखिए हमारे पास क्या है, A8 माइनस B8 है. तो मैंने क्या कर रहा हूं, फार्मूला मेरे पास क्या है, फार्मूला क्या है हमारे पास, ये फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है. तो सबसे पहले क्या किया मैंने, ए 4 स्क्वायर कर लिया माइनस बी 4 स्क्वायर कर लिया. स्क्वायर से क्या होगा, ए 4 बी 4 को मैंने एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दिया, ए 4 माइनस बी 4, ये फॉर्मूले का स्क्वायर है. याद रखिएगा मैं फॉर्मूले का स्क्वायर बार बार ला रहा हूं, फॉर्मूले का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है. तो ए 2 माइनस बी 2 को हम लिख सकते हैं एक बार माइनस में एक बार प्लस में. अब फिर माइनस का साइन आ रहा है यहां पे, देखिए ए 4 माइनस बी 4, तो मैंने फिर इसके ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर. तो इन दोनों वैल्यूज को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और फिर जब माइनस की वैल्यू हमारे पास आई है तो हमने क्या किया, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया, यानी एक ही क्वेश्चन में 3 टाइम फॉर्मूला, जहां जहां माइनस का स्क्वायर आता जाएगा हम इसको फॉर्मूला अप्लाई करते जा रहे हैं. यहां पे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने फिर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार माइनस में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद आंसर क्या आया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए 4 प्लस बी 4 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है जी, एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2B माइनस बी स्क्वायर. हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है. सबसे पहले तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूं जरा, देखिए इसको मैं अरेंज करने का क्या मेथड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2B माइनस 1. देखिए मैंने इसको अरेंज कर लिया.
अरेंज करने के बाद देखें मुझे इसको इसको क्या करना है, स्क्वायर की फॉर्म में लाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं इसको करता हूं कि जी मैं ए स्क्वायर को एक तरफ कर लेता हूं, माइनस इस पूरी वैल्यू को एक तरफ कर लेता हूं, बी स्क्वायर प्लस माइनस टू बी प्लस वन आ जाएगा। क्या किया देखें, मैंने माइनस बार कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू बी प्लस वन। अब इसको अगर मैं इस वैल्यू को पूरे को देखूं तो हमारे पास बी बी माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करूं, देखें इसको छोड़ देते हैं हम, ए स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये बी का स्क्वायर और प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू बी इंटू वन। देखिए फॉर्मूला कंप्लीट हमारे पास है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। और अगर मैं इसको क्लोज करके लिखूं, फॉर्मूला क्लोज करना है तो क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर ये एज इट इज ये लिखा जाएगा बी माइनस वन का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला क्लोज कर दिया मैंने, फॉर्मूला क्लोज किया तो क्या मैंने बना, बी माइनस वन का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू देखिए पूरी की पूरी ए है और ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू बी हो जाएगी हमारे पास। अब मैं इसको अगर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर को माइनस बी माइनस वन का स्क्वायर। अगर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखूं तो क्या आएगा, देखें ए प्लस बी माइनस वन एक बार आ गया और ए माइनस बी माइनस वन एक दफा आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में दोनों वैल्यू को लिख लिया। अब मैं इसको ओपन करता हूं, ए प्लस बी माइनस वन आ जाएगा ये वाली, और सेकंड वैल्यू आएगी ए माइनस बी प्लस वन ये वाली वैल्यू आ जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए मैंने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 था, ए स्क्वायर माइनस वन प्लस टू बी माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले मैंने इनको अरेंज करके लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी माइनस वन कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस के अंदर हमने ए को ए स्क्वायर को एक तरफ किया, माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या वैल्यू बनेगी, बी स्क्वायर। देखिए बार माइनस कॉमन लिया इसलिए अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस टू बी आ जाएगा और प्लस वन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू बी प्लस वन हमारे पास आ गया। अब मैंने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया, हमने क्या किया इसके ऊपर स्क्वायर कंप्लीट करके लिखा, बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला क्लोज किया तो बी माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। अब दो वैल्यूज आ गई है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे पास आ गई, तो हमने क्या किया, एक बार प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी माइनस वन का स्क्वायर, तो हमने ए प्लस बी माइनस वन ए माइनस बी माइनस वन, हमने इसको एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में लिख दिया। इसके बाद ब्रैकेट को ओपन किया तो ए प्लस बी माइनस वन एक ब्रैकेट में आ गया, सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस और माइनस प्लस वन इज द आंसर। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी, उसका आंसर ये आ गया हमारे पास। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 24 का हमारे पास होम टास्क होमवर्क है, एक्सरसाइज 10 बी का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 फैक्टराइजेशन जो हमने की है वो आपने नीट क्लियर एंड क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।